सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस नॉलेज ऑफिशियल में। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड सोशल साइंस के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। सो गाइस, चलिए हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, शोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? शोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है आपके पास बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है आपके पास उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आपके पास हरियाणा, ऑप्शन डी है आपके पास पंजाब। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। जो सोपनी कृषि है वो उत्तराखंड में क्या है, प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन है आपके पास चूना पत्थर, बॉक्साइड, ग्रेनाइट, लोहा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें का, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। ठीक है ना, जो चूना पत्थर है वो सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तीसरा है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। तो जल्दी से बताइए भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ठीक है ना, भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है वो क्या है, कर्नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? ठीक है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो लोहा को उद्योग की जननी माना जाता है। लोहा जो खनिज है ना उसको उद्योग की जननी माना जाता है। ठीक है, अगला है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अवरक, टीन। कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक क्या है, अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है। जबकि सोना, चांदी और टीन, ये तीनों क्या है, धात्विक खनिज है। याद रखिएगा धात्विक खनिज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चरक का संबंध किस देश से है? ठीक है, चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार से है, श्रीलंका से है, भारत से है, नेपाल से है, किससे है? तो याद रखिएगा जो चरक का संबंध है वो क्या है, भारत से है। ठीक है ना, चरक का संबंध किससे है, भारत से है। अगला है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, मथुरा में, ब्रौनी में, डिगबोई में, गुवाहाटी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई। ठीक है ना, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है, तृतीय स्थान है। ठीक है, अगला है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आप सभी को ही जानते हैं मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। ठीक है ना, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, अगला है, इनमें किस बंदरगाह को से लोहा का निर्यात किया जाता है? इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो याद रखिएगा जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यहाँ से क्या किया जाता है, लोहा का निर्यात किया जाता है। ठीक है ना, विशाखापट्टनम से लोहा का निर्यात किया जाता है।
अगला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, बलुई, रेगूर, सावल और पर्वतीय। तो याद रखिएगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है, ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। नेक्स्ट है, प्रकृति संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्रकृति संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए है अफ्रीकी कन्वेंशन, और यही आपका क्या है राइट आंसर है। अफ्रीकी कन्वेंशन क्या हुआ था? 1968 में हुआ था, और इसको याद रखिएगा, ये क्या है VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन का है, ठीक है ना, इसको ट्रिपल स्टार मार लीजिएगा, ट्रिपल स्टार, ये आने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर को देखते हैं, प्लास्ट ऑफ पेरिस किसने बनाया? ये है VVI क्वेश्चन, ये भी आने का संभावना है 100%, ठीक है। प्लास्ट ऑफ पेरिस किसने बनाया, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, प्लास्ट ऑफ पेरिस जिप्सम ने बनाया था, ठीक है ना, प्लास्ट ऑफ पेरिस किसने बनाया था, जिप्सम ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट और हमारा आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, जो 2023 में आने की भी संभावना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो याद रखिएगा, मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज उत्पादन में उड़ीसा सबसे आगे है, अर्थात उड़ीसा में मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। सो गाइस, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो धन्यवाद।